जब आप एक कैंडल को देखते हो सपोज ये रेड कैडर की के कैंडल बनी है ऐसी ठीक है ये एक कैंडल तो इसका मतलब क्या हुआ ओपन ये यहाँ हुई तो रेड कैंडल है तो क्लोज ये यहाँ हुई अफकोर्स रेड कैंडल अपने को यही बताती है कैंडल स्टिक का बेसिक्स तो पता है हाँ ये वीडियो बिना बेसिक्स अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो बेसिक्स का वीडियो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर आपको मिल जाए ठीक है इतना तो आपको बेसिक पता है ना कि कैंडल ओपन कब होती है और क्लोज कब होती है अब सपोज ये वाली ऐसे टाइप की एक कैंडल है इसकी ये विग है तो यहाँ ये ओपन होती है ठीक है और यहाँ पे ये क्लोज होती है अब यहाँ पे ये ओपन हो रही है यहाँ पे ये क्लोज हो रही है इसका अर्थ क्या है कि ये कैंडल बुल वाली कैंडल है मतलब ये बाइंग साइड मतलब ग्रीन कैंडल है ना ऑफकोर्स ये अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी मैं किस प्रकार के कैंडल की बात चार्थ उसके चार्थ लिए पैटर्न पे आता है बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं पेन टूल भी खोल देता हूँ आपके सामने जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ जो की आपको मजा आएगा सीखने में और समझने में और जानने में भी मजा आएगा वो चीजें समझने में जब आप चीजों को समझते हो ना दोस्तों कुछ हो रही हो जब आप कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हो ना उसको अच्छे से उसकी बॉडी ऑब्जर्व कर लो उसकी वीक ऑब्जर्व कर लो वीक को अपन शेडो भी बोलते हैं उसकी शेडो भी आप ऑब्जर्व तो जब भी आप कैंडल को देख रहे हो तो इसमें दो चीज सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे उसकी बॉडी ऑब्जर्व करेंगे और सबसे पहले उसकी वीक वीक या शैडो ये नहीं करोगे तो आप फिर क्या कैंडल का बेसिक ही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा सपोज अपन कोई कैंडल देखते हैं पे सपोज ये बैंक निफ्टी का कैंडल है चलो बेहतरीन आया है बैंक निफ्टी अगर मैं आपको बता दू लाइव मार्केट में ही चल रहा है अभी मार्केट एक अच्छा मूव देखने मिला है अब ये कैंडल अपने को क्या बताती है देखो कैंडल से बेसिकली अपने क्या बताती है पांच मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है सपोज ये जो कैंडल है ये पांच मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है

सैटरडे आता है या संडे आता है अचानक कुछ हो जाए किसको पता निर्मला सीतारामन जी अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बता दे तो कैसा बीटीएसटी थोड़ा रिस्की काइंड ऑफ मूव होता है तो उससे थोड़ा संभल के ठीक है चलो अब अब ओवरऑल अपने को ये कैंडल क्या बता रही है भयंकर बोल वाली मूव है क्यों क्योंकि यहां से मार्केट ओपन हुआ ओपन कहाँ हुआ एग्जैक्ट अगर अपन थोड़ा अंदाजा लगा के पकड़े तो फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू जीरो बावन पाँच सौ पे मार्केट था और अचानक एक अच्छी मूव दिया कहां तक ये वाला जो रेजिस्टेंस था उसका तो तोड़ा ही तोड़ा ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूव है तो मार्केट यहां तक जा सकता है आपके सामने देखते हैं जब तक एक्सप्लेन करूंगा मार्केट क्लोज होने ही वाला है कोई दिक्कत अब अपने को ओवरऑल मूव क्या बताती है चलो इसको अपन अब थोड़ा अच्छे से और गहराई से समझेंगे कैंडल्स आपने को कैसे क्या समझना है ये जरूरी बन, पार्ट बनता है अब देखो ये वाला जो जोन है यहां से अपने को क्या पता गिर रहा है कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम से फॉल हुआ था अरे यार ये हो ना सिलेक्ट क्या गंदा टूल है हाँ मार्केट एक अच्छे मोमेंटम से फॉल हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक अच्छे मूव से फॉल हुआ मार्केट यहाँ पे था और एक अच्छे मूव से यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ इसका मतलब क्या है ये सेलर लोग यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है क्यों क्योंकि आप कैंडल को आप, आप आप शिद्दत से कैंडल देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ था मार्केट ओपन कहाँ हुआ था यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ था लेकिन मार्केट ऊपर गया वीक बनी है ना ये वीक का अर्थ क्या होता है वीक का अर्थ क्या होता है कि मार्केट यहां से ऊपर गया था अब अब ये कैंडल है अब मैं आपको अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करें ये मार्केट क्यों इधर गया है क्योंकि जब मार्केट स्टार्टिंग में ओपन हुआ था ना यहाँ बायर लोग तो थे बायर लोग यहाँ पे थे भैया आप कैसे बोल सकते हो बायर लोग थे रेड कैंडल है मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा और रेड कैंडल का ये वाला पार्ट है मतलब क्लोज है ये वाला पार्ट है मतलब क्लोज है ठीक है ये इतना समझ गया ये वाला पार्ट ओपन किया था और ये वाला जो पार्ट है उसका ये नीचे वाला पार्ट है क्लोज वाला पार्ट है मतलब ये कैंडल ऊपर भी गई थी बायर लोग थे मार्केट में लेकिन बायर लोग इतना पावर नहीं लगा पाए तो मार्केट सेल हुआ और क्लोज यहां पे हुआ स्टार्टिंग का कैंडल की बात कर अब अगर इतना मार्केट गिरा सकते हैं सेलर लोग मतलब सेलर लोग में दम है मतलब ये जो कैंडल बन रही है ये तो इनवर्स हैमर बन रही है दिख रहा है अपने को हैमर पता है ना बेसिकली अब हाँ, ये 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 वीडियो का जब मोटिव मैंने स्टार्ट किया था मैंने क्या बताया था आपको नेम याद करने की जरूरत आप मैनुअली समझेंगे चीजों को मैनुअली चीजों को नेम इज वेस्ट ऑफ टाइम आप अपने आप से नेम दे सकते हैं किसी ने नाम दिया है स्ट्रेटर्जी का तो लोग मन से स्ट्रेटर्जी बजा के यूट्यूब पे सेल करते हैं ना वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं है ना किसी का क्या स्ट्रैटर्जी होता है किसी का सबका अपना अपना स्ट्रेटर्जी होता है तो उसके हिसाब से एक्सप्लेन करके देते हैं लोगों को आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे अगर मार्केट इतना गया मतलब बायर लोगों ने प्रयास तो किया इसको उठाने का लेकिन सेलर लोग ने इतनी ताकत लगाई कि यहां से जब मार्केट आया उसका हाई से तो नीचे तक मार्केट ने लाया मतलब ये कैंडल में सेलर लोग पावरफुल है सेल पावरफुल इसका अर्थ क्या है अगली कैंडल भी सेल की बनेगी क्योंकि यहां तक यहां तक मार्केट लाया मार्केट ने तो ऑफकोर्स अगला जो कैंडल है वो सेल का बनना ही है बनना ही है ऑफकोर्स अब यहां से भी मार्केट अगर सेलिंग साइड आ रहा है अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं या ये फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ यही मैं अगर आपको फाइव मिनट्स टाइम फ्रेम पे बताओ तो यहाँ पे स्काल्प का ट्रेड भी बनता है देखो स्टार्टिंग में उठाया था मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट ने उठाया था स्टार्टिंग में हाँ बट सेलर लोगों ने वापस इसको नीचे लाया और थ्री ब्लैक क्रोज बनाया थ्री ब्लैक क्रोज अपने को क्या बोलते हैं कि अगली कैंडल रेड बनेगी अगली कैंडल रेड बनेगी लेकिन वो पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं हुआ लेकिन वही अगर अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें वही चीज अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा सा मूव यहां पे अपने को देखने में कैप्चर करने मिला है अब आपको ये चीजें जब मैं एक अच्छे से आप जब लॉजिक से समझोगे ना दोस्तों आपको भी सीखने में मजा आएगा यहां से सेलर ने प्रेशर डाला यहां पे सेलर है यहां पे सेलर है अब यहां कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ रहेगा अब यहां से अपने को थ्री व्हाइट ब्लैक क्रोज बन गए थ्री ब्लैक क्रोज अपने क्यों बनाती है कि भैया आपने बोला था थ्री ब्लैक क्रोज जब बनती है तो मार्केट नीचे गए यहाँ पे तो गया ही नहीं क्यों अभी तक मैंने पीछे का नहीं देखा मैं लाइव सिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिला है अब आप बोलोगे भैया कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिला है और आप देख सकते हो ये वाला जोन ये वाला जोन देखो आप ये वाला जोन देखिए आप आपके सामने यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिला है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लेकिन अपने को कैंडल ने क्या बताया कि हाँ सेल वाला कैंडल था क्योंकि पहला कैंडल काफी ये आया था चलो अब ये वाला आपको चीजें समझ आ गया कैंडल का पैटर्न का नाम रखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको बता देता तो हूँ चलो ये कैंडल है कैंडल कैंडल को ध्यान से देखेंगे अभी कैंडल को ध्यान से देखेंगे कैंडल को ध्यान से देखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ पे पूरा फोकस करेंगे पूरा फोकस ठीक है ये वाला जो है ये वाला है यहाँ पे कैंडल ओपन हुई ये वाली जो भी कैंडल है कौन से टाइम की है क्या है पता नहीं ये वाली कैंडल ओपनिंग यहाँ पे क्लोज ठीक है ये वाली कैंडल इसका हिस्ट्री क्या बता रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे ना क्रुशियल जोन था तो ये वाला तोड़ा है इसने चलो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अब प्योर कैंडल पट रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए ये वाली जो रेड कैंडल थी उससे पावरफुल उससे पावरफुल कैंडल ये वाली बनी है आप देख सकते हो इससे डबल साइज की भी बनी ये कैंडल तो इतनी हो लेकिन ये कैंडल देखो कितनी बड़ी है उससे डबल साइज की बनी है प्लस कहीं ना कहीं इसको पूरा बिल्डिंग इमेजिन करिए अगर ये वाली ये एक बिल्डिंग है ये एक बिल्डिंग है ये एक बिल्डिंग है, है और ये बिल्डिंग अगर इस पर गिर जाती है तो ये वाली दब जाएगी ये वाली दब जाएगी मतलब यहां पे जितने भी सेलर थे ये वाली कैंडल में वो सेलर को ये बायर लोगों ने दबा दिया है ये वाले बायर लोगों ने ये वाले सेलर दबा दिया है इसी प्रकार से ये कैंडल बड़ी बनी इसका मतलब क्या है कि इसमें बाइंग पावर बहुत है भैया इसमें दबा के बाइंग हुई है दबा के बाइंग हुई इसका अर्थ बैंक निफ्टी में क्या हुआ है एक वो अपने को देख, यहां, से, यहां तक पूरा गया चलो दूसरा एक और कैंडल आपको कैंडल्स का नाम अब इमेजिन करिए ये कैंडल का नाम इसका नाम है सपोज ये जो तीन कैंडल्स बनी है ये जो तीन कैंडल बनी है इनका नाम क्या है थ्री वाइट सोल्जर मैं आपको बताया हूं थ्री वाइट सोल्जर इनका नाम है इमेजिन करिए आपको नाम ही नहीं पता जो मैंने नाम बताया था ये आपको पता ही नहीं है अब बताओ भैया इसका क्या है अब देखो यहां पे बाय हुआ है तगड़ा ये वाला छोड़ दीजिए अभी इसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे बाय हुआ है तगड़ा यहाँ पे बाय हुआ है तगड़ा अगर ये वाली बिल्डिंग इस पे गरी तो इसको खा लेगी ये वाली बिल्डिंग इस पे गरी तो ये तो ग्रीन ग्रीन है और ये वाली इस पे गिरी तो ये दोनों को खा लेगी इतनी पावरफुल ये वाली कैंडल है जी सर सही कहा आपने इतनी पावरफुल ये वाली कैंडल है अब आप ये चीज समझिए कि अगर यहाँ पे इतना बाइंग दिख रहा है मतलब सब लोग बाय कर रहे है अब हां सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है अपसाइड अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां से ऊपर गया ये देखना इतना मूव आपको कैप्चर करने मिला है थोड़ा होल्ड करोगे तो यहां तक भी गया दिस इज हाउ इट हैपन्स अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी गिरावट आई है फिर वापस ऊपर गया दिस इज द वे टू फाइंड आपको समझ आया कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कैंडल्स को समझना है ना कि चलो ये वाला एक और आपके साथ मिल आपको पता नहीं है कैंडल का पैटर्न क्या है भैया मुझे नाम ही नहीं पता कैंडल का अच्छा नाम नहीं पता ठीक ये रेड कैंडल बनी है यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी है पे फिर से रेड कैंडल बनी है थोड़ी बाइंग कैंडल बनी एक बड़ी सी बाय कैंडल यहाँ पे देखें मतलब क्या बता रहे कि ये कैंडल इतनी पावरफुल है कि नीचे की के छोटी कैंडल को ये कभी भी खा सक जी सर सही कहा आपने ये कैंडल इतनी पावर वाली कैंडल है पावर इस कैंडल में इतना है कि नीचे की जितनी भी कैंडल है उसको खा सकती है राइट सर अब ये वाली जो कैंडल है इसमें इतना पावर है कि इधर वाली कैंडल खा सकती है अब ये दो कैंडल में ही इतनी बाइंग आई है तो अपन अगली कैंडल में प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि इधर ही अपने को इतनी भयंकर बाइंग देखने मिली है समझ आया ना ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको चलो ये बाइंग साइड का कॉन्सेप्ट है चलो मैं सेलिंग साइड का समझाता हूँ आपको चलो यहां पे मार्केट जिग्रिक जिगरिक कर रहा है मार्केट साइडवेज साइडवेज मूव कर रहा है ठीक है एक रेड कैंडल बनी है रेड कैंडल मतलब यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हो गए और बायर लोग साइडवेज मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं था इस वाले ई मार्केट में इनको इंटरेस्ट नहीं एक रेड कैंडल बनी है। ये क्या बता रही है? अपने को सेलर लोग है ये कैंडल इतनी बड़ी है ये वाली रेड रेड कैंडल कैंडल देखा जाए इतनी बड़ी है कि पिद्दी पिद्दी जो साइडवेज मार्केट तो उनको खा लिया तो हल्का सा सेलिंग देख अब मार्केट तो देखो अपन पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में बाय सेल तो होता रहेगा मार्केट का विधि का विधान है बाय सेल चलता रहेगा लेकिन ये वाली कैंडल जब आप देखोगे तो उसमें इतना सेलिंग है कि ये नीचे दबा दिया मार्केट यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हुए फिर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिला होगा ऑफकोर्स पीछे का आप कैंडल हिस्ट्री में देख सकते हो इनको कहीं कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट देखने मिला है ये वाला देखने मिला है तो ये वाले सपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आया समझ इतना अब अब मैं आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न छोड़ दो अब 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 पैटर्न अभी तक पैटर्न की बात कर रहे थे अब पैटर्न छोड़ दीजिए चलो ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट था मैं चार्ट को ये फायदा होता है दोस्तों फायर का आप देखते हो जब ये वाला इधर का बैंक निफ्टी का चार्ट है इधर मैं निफ्टी भी ओपन कर सकता हूँ निफ्टी इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ओपन करेंगे और इसमें देखिए पायर्स में आप दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप इसमें अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं स्टार्टिंग के साथ दिनों के लिए ब्रोकरेज नहीं लगेगा और सेकंड थिंग आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि इसमें आपको ओवरऑल मल्टीपल चार्ट आप यूज कर सकते हो कितने मेरे बत्तीस इंच का मॉनिटर है बेटा डजन भर चार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जो ट्रेडिंग भी आपको पेड सर्विस देता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है और ऑप्शन चेन भी आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं यहाँ पे क्लिक करोगे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की ऑप्शन चेन भी यही ओपन हो जाती है है इट टेकिंग टाइम क्योंकि मेरा इंटरनेट काफी डिंग डिंग है हाँ ठीक है हो गया है ओपन हो चलो डन अब यहाँ पे अपन चीज को समझेंगे हाँ, तीन बजे की मूव क्या भयंकर आई है भाई भयंकर मूव आइए भाई भयंकर जबरदस्त अब देखो यहाँ पे अपन छोटी छोटी कैंडल स्टिक को समझ यहाँ पे आपको मार्केट दिख रहा है मार्केट ओपन हुआ आज चलो ठीक है आज मार्केट ओपन हुआ भैया जी हाँ मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ठीक है ये वाले कैंडल से मार्केट ओपन हुआ स्टार्टिंग में ये वाला ओपनिंग प्राइस था फिर यहाँ पे क्लोज हुआ फिर मार्केट साइडवेज चला अब ये वाली कैंडल को आप इमेजिन करिए ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल ये जो कैंडल है ये पूरी जो कैंडल ऊपर से ये जो ग्रीन कैंडल इसको ओवरलैप कर रही है यहाँ से देखो पूरा ओवरलैप किया फिर ये रेड कैंडल ने भी ओवरलैप किया यहाँ मार्केट कंफ्यूज है फिर ये वाली कैंडल ने ओवरलैप किया और ये ग्रीन रेड कैंडल बनाया फिर ये कैंडल बना यहां से ये वाले कैंडल ने बता दिया कि बायर लोग तगड़े हैं आपको छोटी छोटी कैंडल पे फोकस करना है दोस्तों व्हाट अब एक मैं बात बता दो अपन लोग ये चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट में डिंगडांग कैंडल डिंग 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 चल रही है ये ये सपोज एक चार्ट ये चार्ट का मीनिंग क्या है ये कंप्यूटर पे कोई तो एक इंसान देख रहा है ये कंप्यूटर है गरीब का और इसमें ये चार्ट देख रहा है एप्पल का कंप्यूटर है दोस्तों एप्पल का लोगो लोगो ग्रा है बट समझ लेना ये एप्पल का कंप्यूटर है इसमें लोग चार्ट देख रहे हैं अब इसमें जैसे आप चार्ट देख रहे हो एक एक्स वाई जेड कंपनी का आप चार्ट देख रहे हो इसका अर्थ है 140 करोड़ लोग देश में है इसमें से सपोज इमेजिन कीजिए एक करोड़ लोग शेयर बाजार में है सपोज इमेजिन कीजिए एग्जैक्ट डेटा नहीं है एक करोड़ में से एक करोड़ लोग अगर एक एक्स वाई जेड नाम के स्टॉक को देख रहे हैं तो सबकी कैंडल सेम है तो चार्ट क्या होता है बेसिकली चार्ट इज अ वे टू टॉक विथ ऑल द ट्रेडर्स और ऑल द इनवेस्टर इन द वर्ल्ड इट्स द वे एक जरिया है एक वे है दुनिया भर के सभी इन्वेस्टर लोग से बात करने का या दुनिया भर के सभी ट्रेडर लोग से बात करने का एक तरीका है इट्स वे टू टॉक विथ ऑल दीपल आउट देयर इट्स द वे टू टॉक विथ ऑल द इन्वेस्टर ट्रेडर आउट देयर वो है चार्ट क्योंकि दुनिया भर का चार्ट सेम होता है हाँ, वो अलग बात है आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो पंद्रह मिनट लेट बताता है चार्ट वो पेड सर्विस में मिलता है इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से ट्रेडिंग व्यू देखे सेम ट्रेडिंग व्यू है ट्रेड डॉट फायर डॉट इन मतलब फायर डॉट इन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो लिंक डिस्क्रेट ठीक है हमारे लिंक से ओपन करोगे तो चैनल को भी थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपका है ना अब चलो अब मैं आपको सेलिंग साइड की कुछ कैंडल्स का विषय बताता हूँ कि कैसे आप सेलिंग साइड में कैंडल का एक ट्रेड देख सकते हो कैसे क्या ट्रेड ट्रेड कर सकते हो कैसे क्या आपको चीजों पे फोकस रहना है कैसे क्या चीजों को आपको समझना है सपोज uh, अगर अपन इसको ही डेली टाइम फ्रेम पे देखे सपोज आप इन्वेस्टिंग के जरिए से किसी कैंडल को देखें रैंडम आपके सामने में कैंडल खुला हो ठीक है रैंडम में आपके सामने कोई कैंडल खोलाऊ और इससे आपको पता चलेगा की कैसे क्या चीजें काम करते आप इमेजिन कीजिए ये वाली कैंडल मैं आपके सामने एक रैंडम एक्सवाइजेड टाइम की टाइम फ्रेम की आपको टाइम नहीं देखना है क्या टाइम चल रहा है कौन से स्टॉक की नहीं कैंडल से समझा वैसे निफ्टी फिफ्टी की है इंडेसिस की है लेकिन आप इमेजिन करिए अभी ये रेड कैंडल है क्या बता रही है सेल आया है। सेल सेल आया है है प्रेशर देखने मिला है। जी सर उसके बाद ये वाली जो है ना ये इतनी इसके बाद ये एग्जैक्ट कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी है इतनी स्ट्रांग बनी है कि यहाँ पे सेलर लोग इंटरेस्टेड है और मार्केट में बायर लोग का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है देखो मार्केट दो ही चीज से चल एक होता है कहीं ना कहीं बायर और एक होता है कहीं ना कहीं सेलर इसके अलावा मार्केट में कोई नहीं है कोई सेल करता है तो कोई बाय करेगा कोई बाय करे तो कोई सेल करेगा वाइस वर्षा इसके अलावा मार्केट में कुछ अब ये वाला जो कैंडल है ये वाला जो कैंडल है ये वाला जो कैंडल है इसको ये सेल एकदम पावरफुल सेलिंग आया तो आप देख सकते हो मार्केट ये वाले भी कैंडल ने ट्राई किया रिकवर करने का फिर सेलिंग आया फिर ट्राई किया रिकवर करने का फिर थोड़ा बहुत इतना आया कि मार्केट यहां तक आया तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते थे ट्वेंटी पे ट्रेड लेते थे तो मार्केट कहां तक आया ट्वेंटी आपको अच्छा खासा एक डेढ़ पॉइंट का एक मूव देखना समझे ये ये देखो आप एक कैंडल को आप नोटिस आप छोड़ दीजिए अब आपको मैं एक, एक मैं आपको एक चीज बता बताती काम में आएगा अभी 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 का अभी की चीज देख लीजिए दोस्तों काफी ज्यादा आपको काम में आने वाली ये ये जब मैं ये पेन टूल खोलता हूँ ना तब हमारे पीसी में पता है अलग सा ही कुछ हो जाता है कि हमारा कंट्रोल बटन काम ही नहीं करता है फाइन यहाँ पे आप देखो सपोज एक कैंडल है कुछ ऐसी ये वाली उसकी बॉडी है और ये वाली लंबी उसकी वीग है इस कैंडल को हम कहते हैं एमर कैंडल अब इमेजिन कीजिए इसका नाम मुझे पता नहीं है इसका जो नेम है वो मुझे पता नहीं है इसका नेम मुझे पता नहीं है तो ये कैंडल क्या है ये रेड कलर में पूरा इसका फिलअप है पूरा ऐसा मस्त एकदम ड्रॉइंग वॉइंग है और ये उसकी वीक है तो मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ ऑफकोर्स रेड कैंडल है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ओपनिंग पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है क्लोजिंग पार्ट हुआ मार्केट नीचे आया मार्केट और ज्यादा नीचे आया और क्लोज यहां पे हुआ मतलब इसका अर्थ क्या है मार्केट नीचे आने का प्रयास किया लेकिन बायर लोग ने उसको पुश किया तो ये वीक का फॉर्मेट बना समझ आया क्या आपको दोस्तों मतलब इसका अर्थ नेक्स्ट वाला कैंडल क्या बनती है बाय साइड कैंडल बनती है क्यों क्योंकि मार्केट नीचे आने का तो प्रयास किया आप दोस्त मार्केट नीचे आने का तो प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बायर लोगों ने वापस उसको ऊपर खींचा यही पैटर्न अपन इस वाले चीज में समझते फिर आपको ना एक्यूरेट एक बार ना एक बार आपके दिमाग को एक्यूरेट लाइट लग गया ना तो आप अच्छे से समझ सकते हो अपन खोलते कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट इसको खोलेंगे मिनट टाइम फ्रेम पे और रिसेट अच्छा चलो नाइस अब ये वाला मिला है चलो इसका थोड़ा उल्टा ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा थोड़ा पैटर्न उल्टा बनाया अपन ने हैमर ऊपर बनाया था इसका नीचे बनाया और मतलब सिचुएशन चेंज हो गई मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है यस सर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब अप साइड मूव अपने को देखने मिली है यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यू ये वाली कैंडल कैसे बनी है इसको ध्यान से देखिए कुछ ऐसा वीक बना है इसका और नीचे साइड ऐसा कुछ इसको बोलते हैं इनवर्स हैमर इनवर्स अब इसको देखिए मार्केट में इसका जो नीचे वाला पार्ट है अगर इसका अगर एकदम एकदम जूम करके अगर देखा जाए इसको अगर एकदम जूम करके देखा जाए तो ये वाले कैंडल को एग्जैक्ट अगर आप अभी जूम करके देखा जाए ठीक है तो ये वाली जो कैंडल है यहां से तो यहाँ दिख रहा है आपने को बाइंग साइड दिख रहा है ये वाली कैंडल का ये ओपनिंग था ऊपर वाला पार्ट पंद्रह मिनट के टाइम और ये वाला प्लाट इसका क्लोजिंग था जी सर मार्केट इसका अर्थ ओपन होने के बाद ऊपर तो गया था बड़ा लेकिन सेलर लोगों ने उसको दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के नीचे लाया इसका अर्थ क्या है यहाँ सेलर लोग है और आप देख सकते हो यहाँ सेलर लोग है तो आगे भी अपने को एक डाउनफॉल दे वही अगर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे की यहाँ पे एक जबरदस्त बाइंग कैंडल बनी है तो मार्केट थोड़ा यहाँ तक ऊपर भी गया है वापिस नीचे आया ऑफकोर्स बट ऊपर भी गया है अब आप बोलोगे भैया की आपने तो सही कहा था ये चीज इस प्रकार से काम कर रही है लेकिन ये सब सब चीजों में काम करती है आप ना एक एक कैंडल को समझो

नाम नहीं है उसका बेनाम है है ना इसको ओवरलैप किया है ये इतना देखने के बाद अपने को क्या समझ आता है इतना देखने के बाद अपने को क्या समझ आता है कि मार्केट में काफी बाइंग देखने मिल सकता और अगले ही दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गैप अप ओपन होता है क्यों क्योंकि अपने को यहाँ पे इतनी बाइंग देखने मिली जिसने सौदा काट दिया होगा बीटीएसटी लिया होगा कहां पे था मार्केट जब मार्केट ओपनिंग में क्लोज हुआ था तब तो मार्केट कहीं यहाँ पे था मार्केट कहीं यहाँ पे था कितना पे कहीं तो भी ठीक है है ना अब अपने को देखने मिल रहा है। यहां से डायरेक्ट गैप गैपन ओपन दिया कहां पे 1560। अब किसी स्टॉक में तीस परसेंट का मूव आना भी बड़ी बात रहती है इंडा इस है ना पंद्रह समथिंग का स्टॉक है ठीक है ना वैसे चौदह सो देखो सोलह का चल रहा है अभी तो इसमें अपने को तीस चालीस पॉइंट का मूव डायरेक्ट देखने मिला था बीटीएसटी ट्रेड में तो आप ये इमेजिन करिए कि आपको रे, देखो जैसे यहाँ पे एक थ्री व्हाइट सोल्जर इधर के साइड एक से थ्री व्हाइट सोल्जर इधर के साइड बनाया थ्री वाइट सोल्जर इधर के साइड बनाया देखो ये कंटिन्यू थ्री व्हाइट सोल्जर दिख रहा है आपको कंटिन्यू थ्री व्हाइट सोल्जर दिख रहा है आपको कंटिन्यू इसके बाद ये वाला कैंडल बड़ा ही बाइंगा इसका अर्थ क्या बनता है नेक्स्ट कैंडल जो है भैया वो कैंडल काफी ज्यादा एक बाइस साइड रह सकती है और जैसे कि आप जब कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखोगे तो ये कैंडल देखो ये कैंडल के बाद एक बाइंग देख। देखो देखो एवरीथिंग इज गेम ऑफ कैंडल्स आपको ये चीजें जब समझ आ जाएगी ना दोस्तों मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप एवरी गेम ऑफ इज ऑफ कैंडल पूरी दुनिया कैंडल क्यों देख रही है भले ही आप कोई अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो भले ही आप कोई अदर मार्केट में ट्रेड करते हो आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो आप क्रिप्टो में वही मतलब क्रिप्टो में ट्रेड करते हो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो आप कॉमोडिटी में ट्रेड करते हो एवरीथिंग इज डिफरेंट लेकिन वन थिंग इज परमानेंट दैट इज चार्ट एंड कैंडल्स समझ आया आपको अब आपको ना एक एक कैंडल को माहिर चलो मैं आपको यही कैंडल स्टिक का पैटर्न में आपको निफ्टी में अभी मार्केट शायद क्लोज हो चुका है अब ज्यादा हिलेगा नहीं मार्केट लेकिन अगर मैं इसको आपको मिनट टाइम फ्रेम पे बताऊँ चलो वन फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी छोटी, -छोटी, -छोटी। स्कैल्पिंग के लिए जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हो तो परफेक्ट यूज होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नोट कर लीजिए ये पॉइंट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो इंट्राडे अगर आप कर रहे हो या एस सी एल पी स्काल हो कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इतना चीज आपको समझ आ गया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जहां पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न का मिलाप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हो रहा है मतलब वो एक परफेक्ट चलो समझते हैं इस बात मार्केट में यहां से बड़ी बाइंग आई चलो बढ़िया यहाँ पे बाइंग देख लिया अपन ये वन मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे सेल यहाँ पे सेल यहाँ पे, पे सेल आया मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा मैं बताता हूँ लाइव मार्केट मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा ये लाइन मैंने निकाल दिया जब मार्केट क्लोज होगा देख लेंगे ठीक है अगर उसके नीचे आया तो लंबा फॉल देखने मिल सकता है बट वहां से मार्केट नीचे नहीं आएगा और ये मैं आपको अभी अभी छोड़ दो उसको देखेंगे नहीं जब मार्केट खत्म होगा तब देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने मिला है ये तीन कैंडल जो है ये रेड देखने मिली है इसका मतलब क्या है यहाँ सेलर लोग एक्टिवेट हो चुके हैं अब अब ये वाला मोमेंटम अगर अपन कैप्चर करें फाइव टू सेवन टू जीरो फाइव टू सेवन टू जीरो मतलब फाइव टू सेवन डबल जीरो अपर देखे तो यहाँ ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हो देखिए एक चीज याद रखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल और ऑप्शन चेन ओसी इट्स नॉट ऑफिसर चॉइस इट्स ऑप्शन चेन ओके तो ऑप्शन चेन कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों का जब मिलाप होता है या आपके पास कोई इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो दोस्तों मेरे से कोई इंडिकेटर का वीडियो एक्सपेक्ट मत कीजिए मैं इंडिकेटर पर विश्वास नहीं रखता हूं इंडिकेटर आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हाँ जिसको एकदम माहिरत हासिल हो गई है इंडिकेटर में मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कोई अपना ओपिनियन मत देना ये मेरा ओपिनियन है मेरा ओपिनियन में कुछ भी फॉर्म कर सकता हूँ इंडिकेटर आर जस्ट लैगिंग इंडिकेटर मतलब जब इन द एंड प्राइस पे तो चल रहा है ना इंडिकेटर भी इंडिकेटर भी प्राइस पे चल रहा है अगर मैं प्राइस एक्शन ही समझ लू तो मुझे इंडिकेटर की क्या जरूरत चलो मार्केट यहाँ पे दिख रहा है अपने को सेलिंग प्रेशर आया है आया है मार्केट थोड़ा अपर गया फिर उसके बाद अपने को ओवरऑल यहाँ पे पता चल गया था कि सेलर लोग एक्टिवेट हो गए और कंटिन्यू मार्केट ठीक है डन डन भैया आपने बताया सही बताया अब मैंने जो लाइन आपके सामने खींची थी मैंने जो आपके सामने लाइन खींची थी एग्जैक्ट मार्केट वहीं से रिवर्स आया है एग्जैक्ट मार्केट वहीं से रिवर्स आया क्यों कि दिस इज प्योर सपोर्ट था यहाँ आप, आप देख सकते हो प्योर सपोर्ट वहां पे था अभी मार्केट में पांच तीस हो गई है यूटीसी मतलब अपना ये जो टाइम हो चुका है पंद्रह बज के तीस मिनट का मतलब ज के तीस मिनट का तो मार्केट यहाँ क्लोज हो चुका है लेकिन आप देख सकते हो मार्केट ने आखिरी झटका मेरे सपोर्ट तक ही दिया था इसलिए मैं लाइव मैं शूटिंग वीडियो शूट करना है उसी टाइम पे चालू किया कि मार्केट में मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकूं अब इसका अर्थ ये क्या ओवरऑल अर्थ, अर्थ अगर अपन समझेंगे चलो ये वाला कैंडल का पैटर्न का अपन ने समझ लिया मार्क्स आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे एक अच्छी मूव दे रहा था अपने को यहां से मार्केट अच्छी मूव दे रहा था यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग है यहाँ पे सेलिंग है यहाँ पे सेलिंग है अपने को तीन कैंडल बैक टू बैक सेल की देखने मिली है इसका मतलब क्या है सेलर लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं सेलर लोग एक्टिवेट हो चुके तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर सेलर लोग ने दबा के सेल का ट्रेड बता रहा दोस्तों एक एक मिनट का एक एक मिनट का था जब आप मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तब आपको बताता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बेसिकली वो ओवरऑल मार्केट में एक एक आपको चीज देखने मिल आपको मार्केट में एक चीज देखने मिल रही है जो आपको समझनी है फाइंड करनी है कैंडल की अगर आप वन मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है एक सेकंड बता देता हूँ यहाँ पे एक जबरदस्त 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 और आगे का हमें पता नहीं है ठीक है ये तो यहाँ से एक जबरदस्त सपोर्ट की लाइन बनती है रेजिस्टेंस की लाइन बनती है जैसी एक अच्छी सी पावरफुल कैंडल बनती है ब्रेकआउट देती है मतलब क्या मुझे काफी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे फेक ब्रेकआउट कैसे पहचान देखो अगर पावरफुल कैंडल अगर आपकी बनती है जितनी पावरफुल कैंडल उतना जबरदस्त विषय खोल पृथ्वी गोल वाला वातावरण उसका पावरफुल कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास से बनती है मतलब वो स्ट्रॉन्ग साइन है बाय करने का या सेल करने का ये आप समझ जाइए ठीक है इतना आप आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैंडल को देखना कैसे चलो मैं आपको दो तीन लाइव मार्केट में एक्साम्पल बता देखो ये जो वॉच लिस्ट है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है आ, फायर्स में तो आप अपना अकाउंट फायर्स में ओपन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अपन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्स का भारतीय एयरटेल का भारतीय एयरटेल का डेली टाइम फ्रेम सॉरी डेली टाइम फ्रेम चलो तो फिर पंद्रह मिनट के भी टाइम फ्रेम की पैटर्न अप। जी अपने को कोई एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न फाइंड करने का है कोई भी एक अच्छा सा अपन देखेंगे कोई भी एक अच्छा कोई भी चलो ये नहीं तो कोई भी मैं मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडम चार्ट कैमरा में देख रहा हूँ रैंडम चार्ट खोलता हूँ और मुझे पता नहीं है कोई भी चार्ट है मैं नाम भी नहीं देखूंगा बस मैं आपके सामने इसका एनालाइज करूँ जी अरे भारतीय एयरटेल ही खुला वही तो बोला सिमिलर चार्ट क्यों दिख रहा है कोई रैंडम सा चार्ट कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चार्ट खुल जा प्लीज ओके नाइस मेरे सामने कोई तो चार्ट खुला है अब मैं इसको चार्ट को देखता हूँ ठीक है चार्ट को देखेंगे नाइस सपोज आप, आप, तो आप दिन में कमा रहे हो ना इंट्रा में गॉड गॉड आपको क्या लगता है ना मेरा सो रुपीज का कैपिटल इमेजिन करिए उसका दो सौ कर लू हाँ बीस हजार का कैपिटल अगर मेरा है उसको चालीस हजार कर लू आपको बस धड़ाधड़ डबल ही करना है पैसा ऐसे ऐसे नहीं होता लाला ठीक है अब इमेजिन कीजिए ये तो थ्री वाइट सोल्जर वगैरह छोड़िए एक तीन रेड कैंडल बनी है मतलब यहाँ सेलर लोग है अगला कैंडल भी हल्का सेल का देखने मिला लेकिन सपोर्ट से उठा लिया मार्केट लेकिन ये इतना जो पॉइंट अपने देखने मिला है ना इतना जो हल्का सा जो अपने को ये पॉइंट देखने मिला है ना ये था अपना ट्रेडिंग चलो ये छोड़ो पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम वाली कैंडल है सपोज यहाँ पे तीन कैंडल देखने मिली ये वाला भी इसने जो पॉइंट था वो भी तोड़ दिया और एक जबरदस्त कैंडल के साथ तोड़ा मतलब बायर लोग एक्टिवेट हो चुके हैं बायर लोग एक्टिवेट हो चुके हैं इसका अर्थ क्या है कि मार्केट यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट देगा और देखो दिया भी। आपको कैंडल्स को समझना है दोस्तों मार्केट वही रहने वाला है समझिए मेरी बात मार्केट वही रहने वाला कैंडल्स वही रहने वाली है बस जो कैंडल आपको बताने का प्रयास कर रही है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ मैं कितनी पावरफुल नहीं हूं मेरी विग आपको ये समझना चाहिए विग बनती क्यों है आपको ये चीजें समझना चाहिए कि वीक बनती क्यों है अगर हम थोड़ा ये डिलीट हो जाए अपन यहाँ पे देखेंगे कि वीक बनती क्यों है अपन देखेंगे कि ये वीक बनती चलो ये वाली यहाँ पे एक वीक का पैटर्न बना है ये ये दिख रही है वीक बनी क्यों बनी है वीक को अपन शैडो भी बोलते हैं इतना तो आपको पता रहना चाहिए शायद आपको पता वीक को अपन शैडो भी बोलते तो अब अब देखिए जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है ग्रीन कैंडल है मतलब बाय कैंडल है बाय कैंडल है मतलब इसका जो टॉप इसने लगाया वो यहाँ तक लगाया है लेकिन सेलर लोग बोले हम इतना पावरफुल है अभी कि ते को खींच के नीचे लाएंगे और ये यहाँ पे क्लोज करा दिया क्योंकि ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है क्लोज ऊपर से होती गई है गई ये यहाँ तक थी ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ तक इसने इसका हाई अचीव किया था ये सस्टेन नहीं कर पाया क्यों क्योंकि सेलर लोग बोले चल बेटा हमसे बक, मस्ती नहीं नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ ये नीचे आ गया नीचे आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो सेलर जोन का जोन बना क्यों क्योंकि सेलर ने उसको खींच के नीचे लाया मतलब सेलर लोग यहाँ पे ज्यादा आप यहाँ पे जैसे वीक देखोगे चलो ये वाला एक वीक मेरे को मिला है आप ये वाला ठीक है ये वाला अब इसको आप ओवरऑल समझने का प्रयास करिए दोस्तों इसको ओवरऑल समझने का प्रयास एक बॉडी इसकी छोटी है बड़ी तो मेरी भी छोटी है दोस्तों और ये वाला इसका विग है या शेडो है ये विग और ये शेडो इसका है नाइस अब ये वाला जो कॉन्टेक्ट है इसका ये वाला जो सीन है ये वाला जो बड़ा इसके पास आ रहा है ये वाला सीन इस मतलब मार्केट गया तो बड़ा ऊपर था लेकिन बायर लोग ने उसको ये ओवरऑल कैंडल क्या बताती है सेलिंग की कैंडल है ओवरऑल कैंडल क्या है सेल हुई थी मतलब रेड कैंडल है मतलब इसमें सेल का विषय हुआ था मार्केट इसके छोटा दिख रहा है ये थोड़ा बॉडी इसकी छोटी है समझोगे तो ओपन यहां से हुई क्लोज यहाँ से हुई तो इसका अर्थ ये क्या था कि मार्केट में मार्केट को बायर लोगों ने उठाया बहुत था लेकिन सेलर लोग ने वापस नीचे खींची बायर लोग ने उठाया बहुत था लेकिन सेलर लोग ने वापस खींचा जब अगली कैंडल ब्लू बनती है तो देखो उसके सॉरी ग्रीन बनती है तो उसके बाद एक जबरदस्त अपमूव देखने मिलता है आपको कैंडल